मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में 3 संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। विनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता की अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जॉर्ज के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदे उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी, ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर
समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। You want to do it? Sure. You do it. Hello. Hi. Good, how are you? मैं बहुत excited हूँ because एक तो the fact कि OTT के लिए हो रहे awards, I'm very happy. जितनी भी बार digital space में ऐसे हम नए नए steps लेते हैं, I think it's a moment of pride, so I'm very happy. जी, लेकिन पता नहीं अभी मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, पर है रोमांटिक तो होगा। सीजन 3 आ रहा है, सीजन 3 अनाउंस हो गया सर। हाँ, सो वो आ रहा है, वो डेफिनेटली रोमांटिक है। इंडियन सिनेमा तो बहुत बड़ा वो हो गया, पर आई एम जस्ट हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बिग यूनिवर्स। आई एम वेरी हैप्पी, थैंक यू। Hi, how are you? All well, bhai. कैसे आप? All black, all black, all black. Nothing, yaar. I was told that it's red carpet, so I think it'll pop better. काला शक काला, मेरा काला है सरकार, गोरियानो दफा करो। पता नहीं यार, कुछ कुछ कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं। चेंज करने का कोई ना ख्वाब था ना है, बस अपना काम कर रहे हैं। अब उस गेम में अगर वो गेम अप होता है उसकी वजह से तो बहुत खूबसूरत, पर वो छोटी छोटी कोशिशें हैं जो अपनी करने में लगे हुए हैं। दैट्स अबाउट इट। अभी जो दो प्रोजेक्ट्स बिल्कुल इमीडिएट हैं, एक अमित शर्मा के साथ मैदान है जो आने वाली है, उसके बाद नवदीप सिंह के साथ एक अमेजॉन शो है जो आने वाला है। सो OTT पर काफ़ी चीज़ें, Aspirants 2 का कॉन्वर्जेशन ऑलरेडी शुरू हो गया है, सो ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच।
Well, first of all, I know today is a Sunday, so thanks to all the media people, all of you are here. This is a very big honor for me because, you know, the Hindustan Times Group OTT Play Awards, it is for game changers. And I believe that, you know, this 2022, which they are honoring, has been a game-changing year for Indian cinema industry also. You know, abhi tak hum baat kar rahe the, like, you know, Bollywood, Tollywood, Hollywood, sare itne sare woods ke baare mein. मगर आज 2022 ने बता दिया कि लाइक यू नो ये सारे वुड्स नहीं है, सिर्फ एक इंडियन सिनेमा है. एंड आई वेरी प्राउड दैट माय मूवी कार्तिकेय 2 वाज रिसीव्ड ऑल अक्रॉस इंडिया सो वेल. यहाँ पे मुंबई में आई हैव कम सो मेनी टाइम्स और आप सब लोगों ने इतना प्यार दिया है मुझे. और जस्ट नॉट मीडिया, जस्ट नॉट मेनस्ट्रीम मीडिया, इवन यूट्यूब एंड सोशल मीडिया, इतने सारे लोग दे हैव वॉच्ड कार्तिकेय 2 ऑन टीवी, ओटीटी एंड ऑल्सो इन सिनेमाज. सो आई जस्ट वांट टू से थैंक यू, धन्यवाद बोलना चाहता हूँ. और अवार्ड भी मिलने वाली है, तो this is going to be a big thing. Thank you so much, guys. Sir, ये कार्तिकेय 2 जो है, you know, सारे देश में लेकिन you know, एक इंडियन ऑडियंस को लेकिन कनेक्ट कर दिया था, लेकिन कंटेंट के हिसाब से. इट इज़ नॉट अबाउट एनी स्टार पावर, इज़ नॉट अबाउट अ स्टार डायरेक्टर, इज ऑलवेज अबाउट कंटेंट, एंड दैट्स व्हाट वी बिलीव. एंड आज आप देख रहे हैं कि लाइक RRR मूवी भी, you know, it's made a global thing. Pathan has done so well, Brahmastra has done so well, Kantara. So this is an age, this is a year where content is king. Aur mujhe bahut khushi hai ki like you know Kartikeya 2 bhi is list mein hai. So this is a big thing for me, sir. Aur Kartikeya 3 zarur aane wali hai, sir. So November se shoot aane wali hai, and it's going to be in 3D. Yeah, thank you. सब OTT प्ले के सारे लोगों को बधाई देता हूँ आज के दिन के लिए, और इन्होंने मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. हिंदुस्तान टाइम्स, OTT प्ले, थैंक यू सो मच.
हाँ जी सर, क्या लग रहा है मुझे फर्जी? मुझे यहाँ पे कुछ नहीं, सब असली लोग हैं, असली लोगों का प्यार है इतना सारा जो दे रहे हैं, फर्जी क्यों होगा यहाँ पे? फर्जी सिर्फ मैं हूँ यहाँ पे। आर्टिस्ट इज एट होम, आएगा रास्ते में आएगा, आर्टिस्ट को बुलाओ आप लोग। सर अच्छी चीज़ों में, अंग्रेजी में कहावत है गुड थिंग्स टेक टाइम, सो आएगा। इसको बनाने में भी हमें बहुत वक्त लगा है, तो आगे वाले को बनाने में कुछ वक्त लगेगा, पर आएगा फॉर श्योर। थैंक यू सर। हाँ ये मेरे स्टाइलिस्ट हैं जो मुझे ऐसे अतरंगी कपड़े पहनाते हैं हमेशा, सो दैट्स अबाउट इट। और मुझे अच्छा लगता है पहनना, सो बिल्कुल वर्जी नहीं है ये, मैं अंदर से असली हूँ, इट्स माई मोड ऑफ एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ। बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ मैं फिल्म भीड़ पर, जिन लोगों ने देखी है उनको इतना प्यार मिल रहा है, इतना ओवरवेलमिंग है। लोग कह रहे हैं अनमोल सिन्हा की बेस्ट फिल्म है ये, जो कि मैं भी मानता हूँ, मुझे लगता है कि उनकी बेस्ट फिल्म है ये, उन्होंने बहुत बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। और मुझे लोग कह रहे हैं कि ये बहुत सालों बाद तक लोग मुझे इस फिल्म के लिए जानेंगे। ये मेरे स्टाइलिस्ट हैं आज, जो ध्रुव उन्होंने किया है ये, और टीसा जो हमारे डिज़ाइनर हैं उनका ये सूट है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है, आई थिंक एक पैरेलल इंडस्ट्री है ओटीटी में जो चल रही है, जो अच्छा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, और मैं बहुत खुश हूँ बिकॉज इतना सारा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, यू नो, फॉर लॉट ऑफ टेक्नीशियंस एंड एक्टर्स, सो विच इज़ ग्रेट। गन्स एंड गुलाब्स आ रही है राजन डीके के साथ, जो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ है, तो उसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। थैंक यू। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में 3 संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे
और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। विनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जांच के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब विनीश जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है।
ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में 3 संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। विनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जांच के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब विनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से
हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के इसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एम जी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में 3 संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। बिनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया, जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद, जो एक शराबी भी हुआ करता था, अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है, जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है, क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं, लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है, जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जॉर्ज के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है, क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है, जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है, लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं, जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी, ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं, जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का
रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। एक्चुअली बहुत अच्छा ये है OTT चेंज मेकर्स, आई एम वेरी हैप्पी। आफ्टर कोविड बहुत सारी चीज़ें हमने रीडिस्कवर की है। मैंने खुद 3 शोज रिलीज़ हुए हैं जब मैं बिग बॉस के घर में थी। सो आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीडियम और इट्स वेरी गुड। इट गिव्स प्लेटफॉर्म टू सो मेनी न्यू एक्टर्स, बडिंग टैलेंट एज वेल। वो मैं अभी बता नहीं सकती, बट हाँ आप जल्दी सुनेंगे क्या बहुत कुछ होगा। यस, थैंक यू। मेरे आउटफिट्स डिज़ाइनर, मेरी स्टाइलिस्ट है ज़ैनब, उसने शी इज़ गॉट सम इंटरनेशनल डिज़ाइनर, सो या थैंक यू।
You can go and wait with Rupal aunty. That's my bestie, Rupal. Hi. OTT, well, honestly, मैं टेलीविजन वाली हूँ तो एंड ऑफ कोर्स एज एन एक्टर सारे मीडियम्स आपके लिए एक जैसे होते हैं लेकिन टेलीविजन टू मी इज़ वेरी स्पेशल तो चाहे वो OTT आए TV पे या जो भी बट आई एम वेरी एक्साइटेड किसी भी तरह का रिकग्निशन अगर आपको मिले आपके काम के लिए चाहे वो ऑन स्क्रीन हो चाहे वो ऑफ स्क्रीन हो इट रियली रियली फील्स गुड सो मुझे सॉरी बट मुझे कुछ भी देखने का समय नहीं मिल पाता आई वर्क इन अ डेली सोप विच हैज़ मंडे टू संडे 7 days a week एंड छुट्टी नहीं मिल पाती और जो दिन छुट्टी होती है उस दिन बच्चे के साथ रहती हूँ TV नहीं देखती सर जी OTT प्लेटफॉर्म के लिए आई थिंक इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म मुझे एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन सुना ही नहीं दिया कैन जस्ट से इट लाउड हाँ मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है कि बहुत अच्छी बात है कि OTT इतना ग्रो कर रहा है और मेकर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं ऑन OTT प्लेटफॉर्म सो इट्स रियली गुड और OTT पे जो कंटेंट आजकल आ रहा है ना तो आई एम लविंग इट पर्सनली एंड आई एम श्योर कि सबको बहुत पसंद आ रहा होगा सो इट्स गुड ग्रेट इट्स गोइंग ग्रेट रिसेंटली अगर मैं सच बताऊँ ना मैंने अभी देखो बिग बॉस से बाहर आने के बाद मैंने ज़्यादा देख नहीं पाई वैसे भी मैं थोड़ा कम ही TV देख पाती हूँ बट अभी अभी मैंने दृश्यम देखी है कल ही दृश्यम 2 एंड आई लव्ड इट मुझे बहुत अच्छी लगी सो यस बस मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि आने वाले दिनों में आप भी मुझे जल्दी किसी एक अच्छे से प्रोजेक्ट में देखें सो आई एम जस्ट क्रॉसिंग माई फिंगर्स एंड मैनिफेस्टिंग दोनों के लिए आप प्रे करो दोनों के लिए मैनिफेस्ट करो कुछ तो होगा रियलिटी शो से अभी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ रुको अभी एक्टिंग को मिस कर रही हूँ यार सो या दिस आउटफिट आई रियली लव्ड इट मुझे एक्चुअली मेरे स्टाइलिस्ट से मुझे लास्ट मोमेंट ये हुआ कि यार मुझे एक बहुत ही अच्छा सा ड्रेस चाहिए कुछ अलग सा होना चाहिए सो शी जस्ट सॉ आई जस्ट सॉ दिस वन एंड आई रियली लव्ड इट आई वाज लाइक गेट इट या Thank you.
अभी थैंक यू सो मच पहले मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया और आई एम सो एक्साइटेड और बहुत ही खुशी हो रही है अवार्ड उठाते हुए और इन सब जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ अवार्ड खड़े रह के उठाने के लिए सो आई एम वेरी एक्साइटेड लुकिंग फॉरवर्ड OTT तो गेम चेंजर OTT अपने आप में ही गेम चेंजिंग है क्योंकि लोग देखते थे कंज्यूम करते थे थिएटर्स में जाके और बहुत सारे लोग कंज्यूम करते थे DVD खरीद के एक दौर था बट जब OTT का दौर आया इट्स लाइक आप बहुत कुछ अपने घर पे बैठ के अपने मोबाइल स्क्रीन या अपने TV स्क्रीन पे कंज्यूम कर सकते हो तो OTT ने अपने आप में एक एंटरटेनमेंट का गेम चेंज ही कर दिया है सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट और यस OTT इट्स लाइक बहुत ज़्यादा वक्त तक टिकने वाली चीज़ है थैंक यू सो मच मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीजरल फिल्म है ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज अंजलि आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है हत्या में 3 संदिग्ध है SSI जॉन CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था विनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है
उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है, जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है, क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं, लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है, जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जांच के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है, क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है, जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है, लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं, जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी, ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं, जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में तीन संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO
बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। बिनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जांच के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी।
इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में तीन संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। बिनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जांच के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी ना कि हत्या जैसी कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली।
विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। नहीं तो बीच में रखा था भाई, इसको बोलो साइड ले ला, बीच में लगा दे। अरे सर ट्राइपॉड रख के अंदर सकती है ना, अभी आगे रखना उसको लगाने दे, नहीं तो हमारे साइड में लगा दो। पिन इंडिया कंट्री ऑफिस टू वेलकम करीना कपूर आवर सेलिब्रिटी एडवोकेट हियर। गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस हियर टुडे। इट एज यू कैन सी इट्स अ वेरी वेरी स्पेशल डे फॉर अस। The you know students of the Mithapukur Municipal School had fun and the joy of reading, and how they learned in a fun way how important it is to learn to read. They couldn't have heard it from anyone better than the celebrated star and UNICEF India celebrity advocate Kareena Kapoor Khan, who's sitting here with us, and a celebrity with a commitment and who cares to come today and spend this time, this memorable time with children. Thanks, Kareena, our UNICEF celebrity advocate. The children were so enthusiastic, so eager to tell her story and listen to her story. They formed a circle around her when we entered the room. And I was seeing that the circles becoming smaller and smaller and closer, and they really had good fun. We in UNICEF also shared the fun and the hope instilled today here in the classroom with children who were, part of it. The time and enthusiasm our celebrity advocate Kareena Kapoor Khan has created will go a long way in supporting the
reading campaign that, you know, UNICEF Maharashtra is working with the government of Maharashtra on, and it will be launched hopefully within a month. And, you know, just underlining how important it is for children to read, write, and count. We have seen before, and especially after COVID, that the studies have shown us that children are not adequately learning to read and write and count as, you know, for their age and for their grades. So that is why this is reading, you know, is so important. And that is what we want to underline. And this is going to tremendously contribute, so help the learning recovery that we have been facing, especially through the pandemic. I, you know, from the bottom of my heart and on behalf of UNICEF India, I would like to extend our, you know, thanks, heartfelt thanks to you for not only today, for all that you have done for, you know, with UNICEF India and for children in the last several years. And we really look forward to have many more years of, you know, your support and your company with us, and the inspiring, you know, your own experience of raising, nurturing, and educating your own young kids, and then transferring the insights and lessons and the experience to benefit and inspire other children, parents, and teachers in the country. I will end with the words of famous Dr. Seuss, who's an American children's author, political cartoonist, and illustrator, and poet, of course. The more you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you will go. So that is the message we want to leave for the children today. Thank you very much. Thank you, Jafrin. I'll now welcome Rajeshwari Chandrasekhar, who's chief UNICEF Maharashtra, to just set the context about the reading movement and why we all are here today. Rajeshwari. Yeah. Thank you, ladies and gentlemen, for joining us today. And a big thanks to Karina also, who's sitting on my right. You know, the start of the campaign starts with somebody who's... Can you hear me? Yes. So the start of a campaign always starts with a passion. Without passion, a campaign doesn't move. And why do we have this reading movement here in Maharashtra? Zafrin has just told you the context of the national level. Karina saw it for herself with the children in the school that we have come here today, the enthusiasm and the passion of the teachers in teaching and of the child to learn and of the child to ask questions of Karina. I think this is what denotes the start of a foundation of learning. It's a journey which starts young. You cannot crack it at the age when you become a grandmother or a grandfather. It has to start young. And this is part of the Government of India's campaign of foundational literacy and numeracy, which is where Maharashtra is now starting the reading campaign. I think all of us, when we get up every day, we do have something to read. Either it's a news item or a WhatsApp message, but we have now learned to read because we started reading for joy when we were young. We were told stories. We were told from Amar Chitra Katha and Panchatantra, like Karina was mentioning. Those have been still inscribed in our minds. And today, we no more read for fun, we read for learning. But if you don't have that environment at home, then you have to start from the scratch, and that is the foundation for learning. In this state, while we have good schools, good infrastructure, we also have the National Achievement Survey done in all the states, and the data for Maharashtra is telling us that 3 out of every 10 children who are in grade 3 cannot read and write a simple book of grade 3. 4 out of 10 children of grade 5 cannot read and write a book of grade 5. And as the grades increase, the percentage is only worsen. It does tell us that there is something missing, and that missing is the joy of learning, the joy of reading. So that is why UNICEF Maharashtra has embarked upon the reading campaign with the hashtag Every Child Reads. And April 23rd marks the World Reading Day. That is when we would like to launch this campaign with the government of Maharashtra and get in not just the education department, not just get in media, not just get in celebrities, but it should become each and every person's duty to contribute to the reading campaign, because we all either have children or we interact with children, we see children on the streets.
if the sustainable development goal is about leaving no one behind, then we have to ensure that every child in Maharashtra reads, gets access to libraries, gets access to storybooks, and therefore improves his or her joy of reading, which then starts entering, transitioning into reading to learn. They have to first learn to read, then they will transition into read to learn. I think this is the context in which we will launch this campaign next month, but this is like a precursor, having Karina with us, and actually saying it from a very experienced mother of two children who says how important it is to read and to read stories to them. So all it requires, actually scientific evidence says, 15 minutes of your time reading to a child is good enough for the child's psychosocial development. That's what it needs. You can provide the best of services in terms of health, nutrition, schooling, clothes, uniform, but if you don't spend that me time with that child, then that child is not going to become a future prominent citizen of this country. If you have to invest in tomorrow, we have to start today. And that's why this reading campaign. Thank you. Thank you, Rajeshwari. Now we'll have Karina, speaking to all of you and addressing on this. Good afternoon, everyone. Thank you for coming here. Thank you to UNICEF and to Mithanagar Municipal School for having me here today to experience, क्योंकि जो आज मैंने देखा खुद अपनी आँखों से, I think कभी हमने सोचा नहीं था कि मैं यहाँ आऊँगी, बच्चों के साथ इंटरैक्ट करूँगी, उनसे बातें करूँगी और उनकी खुद की कहानी सुनूँगी कि what they actually feel. Today I'm actually here not as a celebrity but as a mother first and then a UNICEF celebrity advocate. I have been working with UNICEF for almost a decade now and काफ़ी कुछ कैंपेन्स किए हैं हमने एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, बट आई थिंक दिस कैंपेन वॉज ट्रूली स्पेशल व्हेन दे केम अप विद दिस थॉट दैट आई शुड कम एंड विजिट एंड कम हियर एंड एक्सपीरियंस इट माई सेल्फ. आई थॉट दैट आई मस्ट कम टू सी एज अ मदर, नॉट एज अ सेलिब्रिटी, एज अ स्टार. जब हम बच्चों के साथ बैठ रहे थे, आई थिंक आई वॉज एक्चुअली सरप्राइज्ड टू सी के जिस brightness, just alertness, just fluency ki they were talking to me, they were telling me stories. Maine pehli sawal maine pucha ke you all tell me stories, kyunki main sunna chahti thi ki how do they communicate when they are talking to me. Me asking them questions of course is very easy, but for them to be confident to tell me and share their stories, ke what books have they read, what stories do they remember, is a very, very different thought altogether, very different experience. I have to say that I am absolutely overwhelmed and surprised by that. I knew that they would be very good, they would be bright. But sabne kaha ke books padhna acha lagta hai, English mein padhna acha lagta hai, science padhna acha lagta hai, likhna acha lagta hai. क्योंकि बचपन में लिखना, मैथ्स करना और किताबें पढ़ना बहुत बहुत ज़रूरी है हमारे लिए. दैट इज़ वॉट इज़ गोइंग टू ले द फाउंडेशन. फाउंडेशनल लर्निंग इज़ गोइंग टू, यू नो, इट इज़ आर फ्यूचर, इट इज़ गोइंग टू हेल्प देम ग्रो एंड बिकम वॉट दे आर. जब मैंने पूछा सबसे कि क्या बनना है बड़े होकर, सब ने कहा IAS ऑफिसर, आर्मी में ज्वाइन करना है, साइंटिस्ट बनना है, डेंटिस्ट बनना है. ऑफ कोर्स किसी ने नहीं कहा कि फिल्म स्टार बनना है, क्योंकि कभी किसी ने सोचा नहीं. मैंने, मुझे भी नहीं बनना था. आई ऑल्सो वॉज लाइक नहीं, मैं होस्टेस बनूंगी, मैं लॉयर बनूंगी, एंड दैट्स, यू नो, वो जर्नी वैसे शुरू होती है. बट आई एम सो हैप्पी दैट सबके आंसर्स ऐसे थे, सबके आंसर्स वर लाइक दे जस्ट वॉन्टेड टू, उनकी जो एनर्जी थी एंड दे हैड दैट जॉय इन देयर आईज बिकॉज दे आर रीडिंग, दे आर लर्निंग. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू द BMC कि जिस तरह से उन्होंने सब्जेक्ट्स चूज किए, टीचर्स चूज किए हैं, जिस तरह से प्रोफेशनल्स को चूज किए, सब्जेक्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. मैंने आज खुद सुना कल्पना उम्रे बीट ऑफिसर से, उन्होंने मुझे, मैं उनसे बात कर रही थी, टीचर से बात कर रही थी यहाँ से, मीठानगर टीचर्स से, स्कूल टीचर्स से, हेडमास्टर से, एंड दे वर टेलिंग मी द काइंड ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड टाइम दैट दे आर गिविंग टू देयर चिल्ड्रन. स्पोर्ट्स हो, आई वॉज वेरी actually very like amazed by the fact that they are teaching them
carpentry. They are teaching women also carpentry. They are teaching women's, the girls' self-defense. 6 to 8 age group mein, they're teaching them self-defense. These are the extracurricular activities that now children have interest in. And all this knowledge comes from only one part, is when they are taught how to read with understanding. Reading. Bachpan mein jab hame kitab uthana hai, book kholna hai, kahaniyan sunni hai, kahaniyan padni hai. That is when you have the knowledge to explore your mind, learn things, do extracurricular activities. It could be reading for that matter. Main kehna chahti hu ki book padhna sirf English mein nahi, apne mother tongue mein hona chahiye, apne bachchon ko sikhaye. Ki chahe wo Hindi mein ho, Gujarati mein ho, Marathi mein ho, koi bhi local language. Yahan जो हमारे टीचर्स मिठा नगर स्कूल के हैं, उन्होंने मुझे बताया कि दे हैव कन्नडा, तमिल, तेलुगू, ऑल लैंग्वेजेस. चिल्ड्रन आर रीडिंग इन द लैंग्वेज ऑफ कंफर्ट, इन द लैंग्वेज ऑफ चॉइस एंड अंडरस्टैंडिंग. ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने बच्चों को सिखाएं कि दे मस्ट इन्जॉय रीडिंग इन देयर लैंग्वेज फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन टू ऑल ऑफ यू ऑल एंड इनकरेज यू ऑल टू जॉइन मी इन दिस कैंपेन ऑफ एवरी चाइल्ड रीडिंग फॉर फाउंडेशनल लर्निंग. आई एम सो हैप्पी कि मीडिया हैज टेकन द टाइम कि आप आएँ सो दैट यू ऑल कैन ऑल्सो स्प्रेड दिस वर्ड ऑफ एवरी चाइल्ड रीडिंग. नॉट जस्ट ऑफकोर्स स्कूल्स में तो इन्वायरमेंट बनता ही है डेफिनेटली. When we have the environment, हमारे teachers classes में encourage करते हैं पढ़ने के लिए, library time में encourage करते हैं, but we must encourage this at home also. क्योंकि मैं दो बच्चों की माँ हूँ, मुझे पता है कि मैं कितना encourage करती हूँ. वो bed time की जो कहानी होती है कि जो तैमूर और जे सुनते हैं आज भी, तैमूर खास करके क्योंकि अभी ही इज़ इन दैट यू नो प्राइमरी ईयर्स ऑफ वॉन्टिंग टू रीड, वॉन्टिंग टू शो करके मुझे पढ़ना आता है, कोशिश करना आता है. ही लाइक्स टू डू एंड ही इज़ लविंग रीडिंग, चाहे वो अमर चित्रकथा की कहानी हो, पंचतंत्र की कहानियाँ हो, अकबर बीरबल की कहानियाँ हो. ही इज़ इन्जॉइंग अलादीन, ही इज़ इन्जॉइंग ऑल दिस काइंड ऑफ स्टोरीज राइट नाउ. एंड फॉर मी टू सी एंड टेक आउट वो जो 15-20 मिनट जो वक्त हम लोग निकालते हैं, ऑफकोर्स विद आर बिजी शेड्यूल, सैफ एंड मी, इट्स ऑलवेज आइदर हिम और मी, वी टेक आउट द टाइम. दैट वो एक वो पत्थर में लिखा हुआ है कि वो टाइम जो है तैमूर के सोने से पहले के माँ या बाप को डेफिनेटली. ऑफ कोर्स वर्किंग पेरेंट्स होते ही, बट ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स, अंकल्स, कजन, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, एनीबडी. आइडिया इज दैट टू इन्जॉय द टाइम व्हेन यू आर रीडिंग ऑल्सो, यू नो, बिकॉज दैट हेल्प्स एक्सप्लोर द चाइल्ड्स माइंड, इट ओपन्स देयर होराइजन्स. इसलिए आज लोग, ये बच्चे जो मैं मिली थी आज, ये लोग इतने कहानियाँ सुन रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, अपनी भाषा में पढ़ रहे हैं. सब ने इतने अच्छे आंसर्स दी, सब ने कहा कि बड़े होकर मुझे ये करना है, वो करना है. किसी ने कहा कि दो फ्रेंड्स जो थे, जो मेरे बाजू में बैठे थे, दे सेड मी एंड हिम वी बोथ विल बी साइंटिस्ट टुगेदर. सो नाउ दैट इज समथिंग बिकॉज ही इज़ प्रॉबेबली रीडिंग दोज बुक्स एंड अंडरस्टैंडिंग दोज स्टोरीज. सो ट्रूली रियली वेरी वेरी ग्रेटफुल टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी. थैंक यू फॉर कमिंग टू help me also and spread this word in every home, that every parent should give 20 minutes of their time to their child. Thank you to UNICEF, you know, for actually taking out and, you know, setting up this whole thing for me to experience, and also to the BMC for the wonderful job that they have actually, because I've seen it with my eyes now ki jis tarah se unhone you know subjects choose kiye, I truly am overwhelmed. So thank you so much for all of you for coming. Thank you. Thank you, Karina. Thank you for supporting Every Child Reading and really making it possible so that every home, this message will go to every house. Now we can take a few questions. So there's Vishal from ANI who can ask questions if you have been. Yeah. Yeah, you can, or you can ask. You can keep the mic here. मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी. इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है. ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है.
फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में 3 संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। बिनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया, जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद, जो एक शराबी भी हुआ करता था, अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है, जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है, क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं, लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है, जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जांच के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है, क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है, जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है, लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं, जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी, ना कि हत्या जैसी कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं, जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से
हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एम जी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में 3 संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। विनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है, क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं, लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है, जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जॉर्ज के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है, क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है, जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है, लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं, जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी, ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं, जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का
रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में 3 संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। बिनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया, जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद, जो एक शराबी भी हुआ करता था, अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है, जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है, क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं, लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है, जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जॉर्ज के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है, क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है, जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है, लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं, जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर
उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी, ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं, जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के इसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एम जी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में तीन संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। बिनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया, जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद, जो एक शराबी भी हुआ करता था, अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है, जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है, क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं, लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है, जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जांच के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है, क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के
वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है, जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है, लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं, जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी, ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं, जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। Ma'am, firstly, good to see you. What would you like to say about yourself? You have been part of this for a long time. Tell us something, hashtag every child reading. It is very important. Reading is very important, as you said. Tell us something about it. नहीं, काफ़ी साल से हम साथ में काम कर रहे हैं यूनिसेफ के साथ, एजुकेशन के बारे में, लर्निंग के बारे में, जैसे मैंने कहा। बट आई थिंक टुडेज visit was very very special because of course it is here to promote every child reading. और जिस तरह मैंने, जैसे मैंने अपनी स्पीच में भी कहा कि डेफिनेटली जो मैंने अपनी आँखों से देखा है कि जिस तरह से स्टोरीज और कहानियाँ ने बच्चों को के दिमाग को इतना फ़र्क किया है, द वे दे हैव ब्रॉडन देयर होराइजन्स, जिस तरह से वो लोग बात कर रहे थे, कहानियाँ सुना रहे थे, जिस तरह से उन्होंने आंसर भी किया कि बड़े होकर क्या बनना है, आई वुड क्रेडिट दैट कम्प्लीटली टू the fact that they have been reading in their primary years, they have been given वो एक foundational learning जो है उन्हें दिया जा रहा है, लिखने के लिए, math skills पढ़ करने के लिए, किताब उठाने पढ़ना, कहानियाँ पढ़ने के लिए, and I think that is the most important which we must push forward to every child because children are our future. काफ़ी सारी स्टोरी आज आपने सुनी रहेगी, कोई ऐसी एक स्टोरी अगर आप बताना चाहो जो काफ़ी आपके दिल के करीब वो स्टोरी रहने वाली? नहीं, आई थिंक दैट सारे जो बच्चे जो हैं सब ने एक एक कहानी सुनाई कि वॉट दे लाइक, उनकी जो फेवरेट स्टोरीज़ है। और जब मैं कहानी पढ़ रही थी, हम मैं एक पोएम पढ़ रही थी बच्चों के साथ, एंड इट वॉज़ अबाउट इमोशंस, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं बुक दे एक्चुअली रियलाइज दैट दे द फीलिंग ऑफ एम्पथी, दे रियलाइज द फीलिंग ऑफ इमोशंस, दे यू नो गेट इन टू द कैरेक्टर्स ऑफ द बुक्स दैट दे आर हियरिंग एंड दे स्टार्ट फीलिंग दैट इमोशन, क्योंकि मैंने तैमूर के साथ ये मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो एक पोएम थी इमोशंस के बारे में, मैं जब सब समझा रही थी उस पोएम को, दे न्यू एवरी इमोशन बिफोर दैट, विच वॉज रियली लाइक अमेजिंग फॉर मी टू सी के द किड्स ऑलरेडी न्यू दैट, एंड आई वुड लाइक टू क्रेडिट दैट टू द टीचर्स हु आर इनकरेजिंग देम टू रीड, टू टेक आउट दैट टाइम, जैसे मैंने कहा अपने अपनी भाषा में,
ये नहीं कि इंग्लिश में होनी चाहिए. आई थिंक जो भाषा उन बच्चे को जो घर पे बोलते हैं जो उन्हें समझ में आता है, वॉट एवर द लोकल लैंग्वेज इज, यू नो, दे शुड रीड इन दैट लैंग्वेज. इट विल हेल्प देम, गाइड देम एंड सेट द फ्यूचर, द टोन फॉर द फ्यूचर. आई थिंक जी या पिकिंग इट अप, एब्सोल्युटली, दैट्स द जॉय ऑफ रीडिंग, एब्सोल्युटली. आई थिंक दैट इज कम्प्लीटली ट्रू. इट वर्क्स वंडर्स के एक्चुअली इफ यू, जिस तरह से इफ यू काइंड ऑफ मेक इट इन टू अ फॉर्म कि आप कहानी सुना रहे हैं बैठ के, यू नो, दैट होल एक्सपीरियंस, क्रिएट दैट एंटायर एनवायरमेंट, आई थिंक इट काइंड ऑफ इनकरेजेस देम टू वॉन्ट टू लिसन और वॉन्ट टू रीड, यू नो, टेक देयर माइंड टू अ डिफरेंट इमेजिनेशन. आई थिंक किड्स आर ऑफ टुडे आर वेरी ब्राइट, दे आर रेडी फॉर दैट. द आइडिया इज जस्ट कि उनको इंगेज करना पड़ता है, टू टेक आउट दैट, वक्त निकाल के इन्वायरमेंट क्रिएट करके उनको इंगेज करना है. तो जैसे मैंने कहा कि इंगेजमेंट नॉट नेसेसरी हैज़ टू बी इन इंग्लिश, इट कैन बी इन अ लैंग्वेज दैट दे एन्जॉय, अ लैंग्वेज दैट दे अंडरस्टैंड. द आइडिया इज़ टू फर्स्ट अंडरस्टैंड टू रीड, वो एक स्किल है, तो उसको पुश करना चाहिए, बिकॉज देन यू नो दे विल स्टार्ट. वंस इट स्टार्ट्स, आई नो इट, आई स्टार्टेड एट अ लेट, वेरी लेट एज इन माई लाइफ, बट आई थिंक के इट जस्ट हुक्स यू. So children are very, very vulnerable. They are like sponges at this primary age of theirs, you know. Okay, उन्हें जो आप, whatever you tell them, they just absorb it. So if you engage them with that story, वो एक habit सा बन जाता है कि रोज़ शाम को, जैसे my child is looking forward to it, you know, like Taimur looks forward to it, कि कभी कभी वो upset हो जाता है, if I have to go out at that, you know, 8:30 story session time, I can see that hurt in his eyes, that, you know, so I also feel bad. That then, you know, so we try to make up that Saif will read to him. So it becomes into that habit. They are like sponges. Also, it helps to visualization. Completely. It has that whole aspect where they start imagining things. It broadens their horizons. It, you know, I mean, you know, once you learn to read, then you start reading to learn. You know, that is the moral of the whole, I think the whole idea of the campaign as well, you know. So it's the idea to push them to learn to read first. For them to explore the world, you can actually sit in a small corner of your house and explore the entire world and mind diaspora, and just sitting there while knowing, you know, okay. So that is why it's the joy, you know. It's like, it's literally like maybe time travel sometimes. Lovely. Now we have just spoken about child reading and all, but these days technology is just matching with the human. Tiny talking, months old babies are reading. Yeah, scroll. But also COVID has done that to us. Hame sabko barbaad kiya hai. How do you make the reading habit interesting for your own children and the children at large? So, of course, I think, you know, this is a very important question जो आपने अभी मुझे पूछा, because हम अभी जिस वक्त से गुजरे हैं, जो pandemic हुआ है, COVID हुआ है हम सबको, I think उस वक्त हम सब बेचैनी से मर रहे थे, हमें कुछ पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है. सेवियर क्या थी? ऑफकोर्स जिन लोगों को पढ़ने आता था, the adults were reading, some of them, but बाकी जो who did not know anything and who's, you know, were impacted were the children, because they did not know. So they all also got into a bad habit of watching, scrolling, doing that, because their school going time was impacted, their learning time was impacted, the skill of teaching them how to read. So it was just a very traumatic, difficult time. But I think now parents must take out the time, and if parents are busy, jaise maine kaha, friends ho, grandparents ho, dada dadi ho, waqt nikale, अपने भाषा में वक्त निकालें पढ़ने के लिए. 15 मिनट 20 मिनट आई थिंक दिन में, बाकी वक्त आप स्क्रॉल करते रहे, स्पॉट खेलते रहे, वो ठीक है, बट वी मस्ट टेक आउट दिस टाइम टू इनकरेज द चाइल्ड टू रीड. नो So I think
given the perception about the absolutely again a very nice valid question. Not at all. In fact, बहुत ही valid question है क्योंकि आजकल सारे celebrities जो है कुछ ना कुछ cause के लिए बात कर रहे हैं. तो of course ये बहुत ही important question है जो आपने कहा. But I feel every celebrity of course has a voice. But बात करना बोलना ज़रूरी नहीं है. जिस topic पे जिस जो subject है जिस पे आपके दिल के close है, जैसे this I feel is आई एम हियर. जैसे मैंने पहले ही कहा आई एम नॉट हियर एज अ सेलिब्रिटी. दिस कैंपेन इज क्लोजली रिलेटेड टू चिल्ड्रन रीडिंग, चिल्ड्रन लर्निंग एंड आई एम हियर इन द फॉर्म ऑफ अ मदर. सो आई फील इन दिस कैंपेन टू हैव मी एसोसिएटेड और वे यू फील अ सेलिब्रिटी इज यू नो यू फील दैट दैट इज समथिंग दैट दे आर प्रॉब्ली गोइंग थ्रू, दे आर समथिंग यू नो प्रॉब्ली क्लोज टू दैट, कैन रिलेट टू दैट. टुडे टिम एंड जे आर बोथ रीडिंग, both understanding. Jay of course is still listening because he's still small, he can't read, but I'm encouraging them in this direction. So when this campaign started by UNICEF, I was like, it was an instant thing that just connected to me, which I felt that if as a mother I can talk to the audience or the media or people and interact with the children as a mother, not as a celebrity, I'm not talking about my films here, so I think then that would be something that they would relate to. So it has to be something where you they feel that connectivity with. May I add to that? Yeah. So UNICEF is 75 years old globally, and in India we will be 75 in another 2 years. From the beginning, globally and in India, we have engaged the celebrities, our goodwill ambassadors, our celebrity advocates, our champions who are famous, and it has brought tremendous support and impact and focus on children's issue. So that is why, you know, we are so excited to have Kareena for the reading campaign, because it really works. People listen. You know, she's an actor, you know, whether it's in a sports person, people listen, because they make, the celebrities make the way to people's heart and mind, and you know, the influence is there. So that is why it is so beautiful, this relationship. जी ऑफकोर्स इट डज. आई थिंक दैट द एक्सेसिबिलिटी टू दैट, दैट्स वाई यू नो नाउ डेज देर आर सो मेनी ऑफ दीज ड्राइव्स, देर आर सो मेनी डोनेशन कैम्प्स वेर ओल्ड बुक्स, पीपल हु हैव यू नो द रिसोर्सेज टू गेट द बुक्स टू रीड, टू रीड टू देयर चिल्ड्रन. I donate to a drive all the old books because we have so many. I mean, I मैंने पहले भी कहा था teachers को that I feel I live in a library because my husband actually preserves his books, he's kept his books, his mum has kept all his books that he would read as a child or she would read to him. So I think that is the value that we have for, and hopefully my children are seeing that and getting that. So for us to give a book also as a present or donate it to people who are less vulnerable, it's a very, very big thing, because that is, it's a treasure. So we would like to be involved in so many of these drives, and that's how people will get the resources and the access to, you know, reading to books in the lesser vulnerable homes. I think it's, you know, like I said, that I started very late, and of course I started because Saif also pointed me in the direction of, you know, engaging myself and engaging my mind through the pages of a book. So I definitely think that it allows you to grow in a very, very special way, because it allows the imagination and your mind to kind of, you know, feel for those characters and think. Like I said, that maine teachers ko bhi bataya that Taimur is reading all the Amar Chitra Kathas, and he's so excited about listening and reading to them that he wants to enact the parts now. He feels that now he can do that. So it's led to his mind in terms of realizing that, okay, you know, like, I love this story, I'm engaged in this story, so now I want to maybe do drama about it. So somewhere it does help, you know. I mean, it is probably the most important tool, you know, to the mind. So, India
Thank you. Thank you. Hello. Thank you. Thank you so much. Sure, sure. Thank you. Thank you. निकल जाएंगे बाहर मैम आपके लेफ्ट ये बाजी सीधा फोन लगाऊंगा दिल्ली में अरे मेरा फोटो चाहिए ना देखा एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट एक मिनट पीछे रहना बैग दे किसका है छत्ती पहले लिखना पड़ेगा तुम्हें बैग के लिए इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। इरत्ता रोहित एमजी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपने ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिस कर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में तीन संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी।
तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। विनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जांच के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब विनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली। विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा। मलयालम फिल्म इरत्ता के क्यों है इतने चर्चे, आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी।
इरत्ता रोहित एम जी कृष्ण द्वारा लिखित और निर्देशित एक 2023 मलयालम भाषा की पुलिस प्रोसीड्यूरल फिल्म है। ये फिल्म में लीड रोल में जीजू जॉर्ज, अंजलि, आर्य सलीम और श्रीकांत मुरली है। फिल्म बगमोन पुलिस स्टेशन में अपनी ड्यूटी घंटे के दौरान एक पुलिसकर्मी की मौत और उसके बाद की जांच के इर्द गिर्द घूमती है। आइए जानते हैं फिल्म की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत DYSP प्रमोद के जुड़वा भाई SSI विनोद के हत्या से होती है। हत्या में 3 संदिग्ध है, SSI जॉन, CPO बिनोइश और एक अन्य पुलिस अधिकारी। तीनों पुलिस अधिकारी विनोद के साथ बागमन स्टेशन में काम करते थे और अलग अलग घटनाओं को लेकर विनोद से दुश्मनी रखते थे। तीनों द्वारा एक एक करके सुनाई गई घटनाओं से पता चलता है कि विनोद एक शराबी और व्यभिचारी था। बिनेश ने अपनी घटना के बारे में बताया जहां उन्होंने विनोद को एक 17 वर्षीय लड़की के साथ एक लॉज में बलात्कार करते हुए पकड़ा जब वो पार्टी कर रहे थे। प्रमोद जो एक शराबी भी हुआ करता था अब शांत है, लेकिन अपनी पत्नी श्रीजा और बेटी से लंबे समय से अलग है। उसके व्यवहार का सामना करने में असमर्थ श्रीजा अपनी नवजात बेटी को ले गई और 17 साल पहले उससे दूर रहने के लिए बॉम्बे चली गई थी। प्रमोद अपने और विनोद के बचपन को याद करते हैं। दोनों भाई एक ही घर में एक ही अपमानजनक और अनुपस्थित पिता के साथ बड़े हुए हैं, जो संयोग है एक पुलिस वाला भी था। एक दिन अपने पिता को बेवफाई करते हुए उनके माता पिता के बीच हिंसा लड़ाई होती है। ये उनके माता पिता के अलगाव का कारण बनता है। प्रमोद अपनी माँ के साथ रहता है जबकि विनोद को उसका पता जबरन उठा ले जाता है। ये प्रमोद और उनकी माँ के प्रति विनोद की नाराजगी को हवा देता है क्योंकि वो विश्वासघात महसूस करता है और अपने पिता के दुर्व्यवहार का सामना करने के लिए अकेला रह गया है। एक दिन उनके पिता के पड़ोसियों और ग्रामीणों ने एक कम उम्र की लड़की के साथ सोने की कोशिश करने के बाद उनके पिता की हत्या कर दी। सालों बाद दोनों जुड़वा पुलिसकर्मी बनते हैं लेकिन अलग रास्ते अपनाते हैं। प्रमोद एक सम्मानित और ईमानदार पुलिस DYSP बन जाता है जबकि विनोद एक हिंसक और चतुर सहायक ASI बन जाता है। वर्तमान में विनोद के करीबी DSP सतीश जॉर्ज के नेतृत्व कर रहे हैं। वो प्रमोद पर भी शक करता है क्योंकि वो दोनों के अतीत और एक दूसरे के प्रति नफरत के वाकिफ है। इसे विनोद की प्रेमिका मालिनी के बयान से और बल मिलता है जो हाल ही में उसके जीवन में आई है और उसे बेहतर करने के लिए बदल दिया। इसलिए प्रमोद को शुरू में ही जांच से दूर रखा जाता है लेकिन वो मामले को अपने हाथ में लेने का अनुरोध करता है। वो जल्दी से जांच के साथ आगे बढ़ता है और ये पता चलता है कि तीनों संदिग्ध के पास वैध बहाने हैं। उसके पास उन्हें एक मीडिया कर्मी की रिकॉर्डिंग के कैमरे की फुटेज मिलते हैं जिसमें वो पास में मैदान में दो बच्चों को अपने कुत्ते के साथ क्रिकेट खेलते हुए देखता है। उसने संपर्क करने पर उसे पता चलता है कि बच्चों में से एक विनोद की मौत को अपनी क्रिकेट की गेंदें उठाते हुए देखा और वो एक आत्महत्या थी ना कि हत्या जैसे कि उन्होंने शुरू में सोचा था। नई सोच से हैरान और हैरान प्रमोद विनोद की आत्महत्या का मकसद को देखना शुरू कर देता है, खासकर जब ऐसा लगता है कि मालिनी के जीवन के आने में बाद वो बहुत खुश था। इस बिंदु पर विनोद के स्टेशन के कुछ कांस्टेबल टीवी चैनल की फुटेज प्राप्त करते हैं जो कि विनोद अपनी आत्महत्या के समय देख रहे थे। सो में श्रीजा और उनकी अब बड़ी हो चुकी है बेटी का रियलिटी ज्ञान प्रतियोगिता में भाग ले रही थी। प्रमोद चौंक जाता है जब बिनीश, जिसने विनोद का नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करते हुए पकड़ा था, पुष्टि करता है कि वो विनोद के साथ कैमरे में थी। प्रमोद को अब पूरी तस्वीर समझ में आ गया। विनोद को एहसास हुआ कि उसने अपने ही भतीजी के साथ बलात्कार किया और उसके अपराध को सहन करने में असमर्थ होकर आत्महत्या कर ली।
विनोद की मौत के बारे में सुनने के बाद फिल्म श्रीजा द्वारा प्रमोद के साथ फिर से जुड़ने की कोशिश के साथ समाप्त होती है। हालांकि वो उसे सख्ती से हिदायत देता है कि वो अपनी बेटी के उसके बारे में ना बताए या कभी अपना चेहरा ना दिखाए, क्योंकि उसने अनजाने में लाज में उस दुर्भाग्यपूर्ण रात में अपने पिता का चेहरा देखा था। अनजाने में प्रमोद को अब विनोद और उनके पिता दोनों की गलतियों और पापों का प्रायश्चित करना होगा।